Nolikon, welcome back. Hope you're doing absolutely fine and welcome to the Destination Diaries. And this is the 7th episode, I guess. So, welcome to the 7th episode. And today, we are going to the Great Ocean Road. वहाँ पे कुछ बीच है कहते हैं लॉन बीच, वहाँ जा रहे फिलहाल हम लोग कुछ ये पेविलियन पे रुके हुए हैं, जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ से अभी और आधा घंटे का रास्ता है, डेढ़ घंटे का रास्ता ऑलरेडी हम लोग ड्राइव करके आए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिए, यहाँ से फिर जाएंगे लॉन बीच। वहाँ पे शायद 35 मिनट्स का ड्राइव है, यहाँ से 35 किलोमीटर्स है। ये है डीन्स मार्श क्रिकेट क्लब, वो कुछ पेविलियन है, ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड है। और फिर इसके वॉशरूम्स तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिए थे। तो आगे हम लोग फाइनली लॉन बीच, और ये पीछे लॉन दिख रहा होगा। अभी मैं जा रहा हूँ बीच को चप्पल लेने, आया चप्पल आया धुलना है। आई विल गेट बैक टू इन सेकंड। तो अपेरेंटली यहाँ रुकना नहीं है कहते, मतलब सॉरी यहाँ उतरना नहीं है पानी में, बस यहाँ पे थोड़ी देर हॉल्ट लिए, दैट्स इट। यहाँ से ग्रेट ओशन रोड जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ जाना है। अभी बस यहाँ हॉल्ट लेने के लिए रुके, दैट्स इट फॉर नाउ। और ये पीछे पानी और लहरें आज बहुत ज़्यादा है फिर से, अगेन आई डोंट नो व्हाई बट इट्स सनी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, हम आए थे लॉन बीच को और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो ये तो था लॉन बीच, और अब यहाँ से सीधा हम जाने वाले हैं द ग्रेट अपोस्टल्स के लिए। ग्रेट ओशन रोड बेसिकली एक लंबी रोड है जिसमें एक तरफ ये पूरा ओशन है और दूसरी तरफ पूरे पहाड़ा है, झाड़ा है, जंगला है। माशाल्लाह, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी सिर्फ पानी ही पानी है, और ये पानी के बाजू पूरे पहाड़ है। सो इफ यू आर कमिंग हियर, जस्ट रिमेंबर दैट यहाँ पे आपको पूरे पहाड़ एस्केलेट करना है। तो इफ़ यू आर हैविंग हाइट सिकनेस, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इसके अलावा और एक चीज़, यहाँ पे आपको बहुत सारे हेपिनमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे कर्व्स मिलेंगे, बिकॉज ये बेसिकली रोड्स जो है माउंटेन्स में काफ करे सो है। सो इफ यू नॉट यूज टू इट, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट थिंग टू। तो अभी एक के पैटर्न बोल के जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए और कहाँ नहीं मालूम, स्टार्ट कहीं वहाँ से हुआ था। इसकी यहाँ भी नहीं, दो पहाड़ आगे था, कुछ 10-15 मिनट का ड्राइव था, 10 नहीं आधे घंटे का ड्राइव था, और अब यहाँ पे आए छोटा सा ब्रेक लिए। तो पूरा वहाँ से निकल के लॉरे भी जो भी था वहाँ से निकल के यहाँ पे आए। के पैल्टन जगह का नाम है, एक छोटा सा वो है, एक मट्टी निकली हुई है, वह पूरा पानी नीचे है। ऐसे गए तो फिर खुदा हाफिज़ हो जाते, और वो पूरा जूता दिख रहा, वो नीचे वो कोने में दिख रहा ना, वो अंटार्कटिका है देखो, और अंटार्कटिका के पहले जितना भी पानी आ रहा है पूरा पानी है, वो कोने तक भी आपको पूरा पानी दिख रहा। दिखा नहीं खाने मालूम, लेकिन मैं एक्चुअली खड़ा हुआ अभी, और पीछे मेरे पूरे पहाड़ा है जो दिख रहे हैं। अरे पढ़ना है आपको तो पॉज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए एंड देन कंटिन्यू। दैट्स इट फॉर नाउ फ्रॉम के पैटर्न।
That's it for now from Cape Barren on the Great Ocean Road, and we'll be now heading to our next destination, which even I don't know where it is.